हेलो एवरीवन वेलकम टू नॉलेज हब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे परसेंटेज फॉर जेके एस एस बी अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो पहले हम देखेंगे टाइप वन सो टाइप वन में क्या होगा आपको चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन इन परसेंटेज तो अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन सपोज ए बाई बी गिवन है और इस ए बाई बी फ्रैक्शन को आपको लाना है इन परसेंटेज तब जाके आपको इसको क्या करना है मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड जब भी आप कोई किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई हंड्रेड करोगे सो इट विल बी कन्वर्टेड टू परसेंटेज फॉर्म तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन को मल्टीपल करना है हंड्रेंड से दैट विल बिकम द परसेंटेज ऑफ दैट फ्रैक्शन अगर मैं आपको यहाँ से यहाँ पे एग्जांपल से दिखाऊंगा सपोज़ मेरे पास कोई नंबर है वन बाई टू ये मेरे पास फ्रैक्शन है और मैं इस फ्रैक्शन को लाऊंगा परसेंटेज में तो आपको क्या करना है वन बाई टू इंटू आपको रन करना है जब आप इसको हंड्रेड करो मल्टीपल करोगे इट विल बिकम फिफ्टी तो इसका मतलब वन बाई टू होता है फिफ्टी परसेंट के बराबर ऐसे ही अगर मेरे पास होगा सपोज़ वन बाई फोर ये फ्रैक्शन गिवन है और इसको लाना है परसेंट में तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है रन तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो फोर वन आर फोर एंड फोर ट्वेंटी फाइव आर दैट इज़ हंड्रेड तो इसका मतलब वन बाई फोर जो होगा वो होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट के बराबर ऐसे ही अगर आपके पास नंबर होगा वन बाई फाइव सपोज़ आपके पास कोई फ्रैक्शन है वन बाई फाइव और इसको भी आपको कन्वर्ट करना है इनटू परसेंट यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई हंड्रेड करना है एंड इट विल बिकम इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट बिकॉज फाइव वन आर फाइव फाइव टू आर टेन और जीरो आई सी रहेगा तो इसका मतलब जब भी आपके पास कोई नंबर होगा ए बाई बी गिवन फ्रैक्शन उसको आपको मल्टीप्लाई करना है हंड्रेंड और वो बन जाएगा उसका परसेंट तो ये आपको याद रखना है पहला पॉइंट दिस इज टाइप वन टाइप टू अब मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कन्वर्ट परसेंट इन फ्रैक्शन अब हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सपोज मेरे पास अगर होगा ए परसेंट तो ए परसेंट में आपको क्या करना है सिंपली ए अपॉन हंड्रेड बस ये आपको याद रखना है कि ए अपॉन हंड्रेड फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास होगा ट्वेंटी uh, परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट को इसको मुझे लाना है फ्रैक्शन में तो आपको यहाँ पे लिखना है ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड जो नंबर गिवन होगा उसको डिवाइड हंड्रेड करना है सो so, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो ट्वेंटी वन और ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और हंड्रेड तो इसका मतलब ट्वेंटी परसेंट होगा वन बाई फाइव के बराबर ऐसे ही अगर मेरे पास सपोज़ फिफ्टी परसेंट है और इसको लाना है इंटरफ्रैक्शन तब जाके आप यहाँ पे लिखोगे फिफ्टी अपॉन हंड्रेड और वो बन जाएगा जीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल फाइव वन आर फाइव एंड फाइव टू आर टेन दैट इज़ वन बाई टू इसका मतलब फिफ्टी परसेंट होगा वन बाई टू के बराबर आई होप आपको ये दोनों टाइप समझ आए होंगे टाइप वन टाइप वन था टू तो कन्वर्ट फ्रैक्शन परसेंट और टाइप टू इसका रिवर्स था तो आपको फ्रैक्शन परसेंटेज में ये आना चाहिए अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज जो पेपर में आते हैं सपोज वन बाई एट फैमिली तो वन बाई एट अगर हम इस फ्रैक्शन को लाएंगे परसेंट में अभी मैंने ऊपर पढ़ाया इसको आपको मल्टीप्लाई हंड्रेड करना है सो वन बाई एट इंटू हंड्रेड ये आएगा फिर सॉल्व करने के बाद टू से अगर हम इसको काटेंगे टू फोर्ट टू फाइव आर टेन और जीरो आएगा फिफ्टी अपॉन फोर अगर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे टू टू आर फोर एंड टू ट्वेंटी फाइव आर दैट इज़ फिफ्टी तो ये आएगा फिफ्टी ट्वेंटी फाइव बाई टू ट्वेंटी फ़ाइव बाई टू दैट इज़ ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो इसका मतलब वन बाई एट ये होता है बराबर टवेल्व पॉइंट फाइव परसेंट तो ये फ्रैक्शन आपको याद रखना है दिस इज़ अ पर्टिकुलर फैमिली सो वन बाई एट इट इज़ टवेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ऐसे ही अगर मैं आप थ्री बाई एट निकालूंगा तो थ्री बाई एट निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे ऐसे थ्री इंटू वन बाई एट और मैंने आपको अभी समझाया वन बाई एट का वैल्यू दैट इज ट्व पॉइंट फाइव परसेंट तो ये आएगा थ्री इन् ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट और मल्टीपल करने के बाद ये आएगा थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट कभी पेपर में आपको डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ये किसके बराबर है क्योंकि अगर हम इसको वैसे करेंगे जो मैंने अभी सिखाया आपको ऐसे थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड इसे थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो बेहतर है आप इस इस पर्टिकुलर फैमिली को याद ही रखिए आप ऐसे ही आपके पास है फाइव बाई एट तो फाइव बाई एट को हम लिखेंगे फाइव इंटू वन एट और वन अपॉन एट ये होता है बराबर टोएल पॉइंट फाइव so तो ये आएगा फाइव इंटू ट्व पॉइंट फाइव परसेंट दैट विल बी इक्वल टू सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट तो पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट ये किसके बराबर है आंसर विल बी फाइव बाई एट एंड दिस अ पर्टिकुलर फैमिली इसीलिए आपको ये याद रखना है ऐसे ही सेवन बाई एट ये एक बार आया था पेपर में दिस इज इक्वल टू एटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट बस आपको क्या करना है याद आपको वन बाई एट रखना है याद दिस इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट क्योंकि ये यूज़ होगा अब हम देखेंगे वन बाई सेवन फैमिली तो वन बाई सेवन ये होता है बराबर फोटी पॉइंट ट्वेंटी एट परसेंट वन बाई सेवन अगर आप इसको ऐसे करोगे सॉलू मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो ये आएगा फिर सॉलू करने के बाद फोटीन पॉइंट ट्वेंटी एट परसेंट ऐसे ही अगर हम अब देखेंगे टू बाई सेवन तो टू बाई सेवन होगा अब मल्टीपल इसको टू होगा फोटीन पॉइंट ट्वेंटी एट इसको अब मल्टीपल टू होगा वो आएगा ट्वेंटी एट पॉइंट फिफ्टी सिक्स ऐसे ही थ्री बाई सेवन ये होता है बराबर फोर्टी टू पॉइंट एटी फोर तो मतलब इसका डबल सब सपोज यहाँ फोटी इसका डबल ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट इसका डबल फिफ्टी सिक्स ऐसे ही फोटी टू का डबल दैट इज़ एटी फोर तो आई होप आपको ये फैमिलीज़ समझ आए होंगे और मैंने आपको ये ऊपर सिखाया हाउ टू कन्वर्ट परसेंट इंट फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इंट परसेंट अब मैं आपको दिखाऊंगा सक्सेसिव इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जब भी आपको निकालना पड़ेगा सक्सेसिव इंक्रीज़ इन परसेंटेज आपके पास दो दो या दो से ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज गिवन होगी तब जाके नेट इंक्रीज़ या नेट डिक्रीज़ आप कैसे निकालोगे उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखनी है दैट इज़ Uh, अगर मेरे पास फार्मूला ये है दैट इज ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन हंड्रेड ये है एक फार्मूला जिस फार्मूला की वजह से हम निकालते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज ओवरऑल सक्सेसिव इंक्रीज़ और डिक्रीज निकालने के लिए एक फार्मूला आपको याद रखनी है दैट इज़ ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन हंड्रेड हम ये तीन पे भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन तीन की वो नंब फार्मूला बहुत बड़ी है तो बेहतर है आप दो पे इसको याद रखिएगा आगे मैं सिखाऊंगा आपको वो तीन भी हम सालो कैसे करेंगे लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर ए हो गया इंक्रीज तब जाके ए को लेना है पॉजिटिव और अगर बी भी इंक्रीज़ हो गया तब जाके आपको बी लेना है पॉजिटिव मतलब यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली आपको साइन भी देखनी है जब भी आप सक्सेसफुल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ निकालोगे आपको साइन चेक करनी है कि आप वेदर आप ए पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे ये आप डिपेंड करेगा कि वहाँ पे इंक्रीज लिखा है या डिक्रीज़ लिखा है ऐसे ही आपको बी लेना है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव लेकिन पॉजिटिव कब लोगे आप अगर वहाँ पे बताया गया कि बी इनक्रीज सपोज़ और अगर बी बताया गया कि बी डिक्रीज़ तब जाके आप इसको नेगेटिव लेना ये क्वेश्चन आपको माइंड में रखना है ऐसे ही ये फार्मूला अप्लाई नहीं करनी है अनलेस एंड एनटिल यू सी द साइन आपको साइन देखनी है कि ए पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे इट विल डिपेंड ऑन द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन चलो मैं आपको यहां से एक एग्जाम्पल भी सिखाता हूं यहां पे सपोज मेरे पास है यहां पे एक क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में वहां पे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है परसेंटेज का क्वेश्चन सपोज द लेंगथ ऑफ आरक्ट एंगल इज इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट लेंगत इंक्रीज हो रही है ट्वेंटी परसेंट तो हम लेंगे यहाँ पे ए लेंगे ट्वेंटी परसेंट लेकिन ये पॉजिटिव लेंगे क्यों लेंगे पॉजिटिव क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है इसीलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया एंड द ब्रैड इज डिक्रीज बाई टेन परसेंट अगर ब्रैड को बी मानेंगे अब क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज लिखा है वर्ड इसीलिए मैं बी को यहाँ पे लेता हूँ माइनस टेन मैंने अभी समझाया आपको साइन आपको प्रॉपरली लेनी है ऐसे ही आपको फार्मूला अप्लाई नहीं करनी है अनलेस एंड अनटिल आपको साइन देखना पड़ेगा तो ए लिया ट्वेंटी बी लिया टेन माइनस टेन अब मैंने आपको अभी समझाया फार्मूला दैट इज़ फार्मूला ये है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन हंड्रेड तो ए का वैल्यू यहाँ पे आएगा ट्वेंटी क्योंकि मुझे निकालना है एरिया में नेट चेंज इन एरिया अभी पता नहीं वो इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा बी की जगह आएगा माइनस टेन प्लस ए की जगह ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई बी की जगह माइनस टेन अपॉन हंड्रेड तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ट्वेंटी माइनस टेन दैट इज टेन और यहाँ से ये ज़ीरो ये जीरो काट हुआ ऐसे ये ज़ीरो भी कैंसिल हुआ इसके साथ सो प्लस और माइनस दैट इज़ माइनस टू इंटू वन वहाँ पे वहाँ पे बचा टू इंटू वन दैट इज़ माइनस टू सो इट विल बिकम एट और क्योंकि यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये इंक्रीज होगा सो इस क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर आएगा वो आंसर आया एट लेकिन पॉजिटिव आया पॉजिटिव मतलब इंक्रीज़ तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन सी एट परसेंट इंक्रीज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा यहाँ पे मैंने यही लिखा है सो ए इज कल्ट ट्वेंटी बी इज कॉल्ट माइनस टेन और जो फार्मूला है वो ये है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन हंड्रेड फार्मूला आपको याद रखना है ये वाली फार्मूला तो फिर यहाँ पे मैंने क्या किया ए और बी के डाले वैल्यूज तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर आया दैट इज एट परसेंट क्योंकि यहाँ पे एट पॉजिटिव आया इसीलिए आपको इसका इस क्वेश्चन का, इस का आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन सी एट परसेंट इनक्रीज आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर टू अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट एक टू टू सक्सेस डिस्काउंट मेरे पास दो डिस्काउंट गिवन है एक टेन परसेंट दूसरा और मुझे बताना है कि नेट डिस्काउंट कितना रहेगा एक डिस्काउंट टेन परसेंट दूसरा डिस्काउंट ट्वेंटी परसेंट इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि आप नेट सिंगल डिस्काउंट निकालिए तो डिस्काउंट क्योंकि ये कमी होती है इसीलिए मैं यहाँ पे ए, ए लूंगा माइनस टेन के बराबर और बी लूंगा बराबर माइनस ट्वेंटी क्योंकि डिस्काउंट है इसीलिए नेगेटिव लिया सो ए लिया माइनस टेन बी लिया माइनस ट्वेंटी अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा यहाँ पे तो फार्मूला ये है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन हंड्रेड अब इस फार्मूला में हम डालेंगे वैल्यूज तो ये बन जाएगा सॉरी ये बनेगा ए की जगह माइनस टेन फिर प्लस बी की जगह आएगा माइनस ट्वेंटी सो प्लस माइनस वैल्यूज माइनस माइनस ट्वेंटी फिर आएगा प्लस ए की जगह माइनस टेन इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड तो अगर हम इसको फर्दर करेंगे सालू माइनस टेन माइनस ट्वेंटी दैट इज इक्वल टू माइनस थर्टी माइनस थर्टी और यहाँ से ये वाला माइनस हो गया कैंसल इस वाले माइनस के साथ और ज़ीरो भी जीरो कैंसल यहाँ से भी जीरो कैंसिल तो अल्टीमेटली बचा वहाँ पे टू इंटू वन दैट इज प्लस टू और माइनस थर्टी प्लस टू दैट इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी एट तो इसका मतलब जो नेट जो नेट सिंगल डिस्काउंट रहेगा वो रहेगा माइनस ट्वेंटी एट परसेंट दैट इज ट्वेंटी एट परसेंट नगेटिव शो इट इज डिस्काउंट सो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज ट्वेंटी एट परसेंट आएगा नेट डिस्काउंट तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि ए इक्वल टू माइनस टेन बी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी क्योंकि डिस्काउंट था अब फार्मूला जो आपके पास है दैट इज ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन हंड्रेड इस फार्मूला में आपको डालने हैं वैल्यूज ए की जगह माइनस टेन बी की जगह माइनस ट्वेंटी फिर यहाँ से इसको सॉल्व किया तो वो आया माइनस ट्वेंटी एट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू आई होप आपको ये क्वेश्चन अब आएंगी तो दो पे आपको ये फार्मूला अच्छे से आएगी क्वेश्चन नंबर थर्ड चलो मैं इस पे भी आपको अप्लाई सिखाता हूँ यहाँ पे द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स इज़ रिड्यूस्ड बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट तो मैं ए क्योंकि यहाँ पे प्राइस रिड्यूस हो गया इसीलिए मैं इसको नेगेटिव लूँगा सो मैंने यहाँ पे ए लिया बराबर माइनस ट्वेंटी फाइव क्योंकि ये रिड्यूस हुआ और ये ये क्वेश्चन जे के पी एस आई एस आई में आया था ये क्वेश्चन एंड जो डेली सेल हैं वो इनक्रीज हुई बाई थर्टी परसेंट तो बी मैं यहाँ पे लेता हूँ प्लस थर्टी मैंने ए लिया माइनस ट्वेंटी क्योंकि रिड्यूस हो गया और बी हुआ बी बी हुआ इंक्रीज सो यहाँ लिया पॉजिटिव अब अगर मैं फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँ तो यहाँ पे ए है माइनस ट्वेंटी फाइव के बराबर और बी है बराबर दैट इज थर्टी के बराबर अब फार्मूला ये है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन हंड्रेड तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव इंटू थर्टी ए इंटू बी डिवाइड बाई हंड्रेड सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे थर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी दैट इज इक्वल टू फाइव अब ऐसे ही अगर हम यहाँ से इस जीरो को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा फिर माइनस बिकॉज प्लस और माइनस दैट इज माइनस ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री दैट इज सेवेंटी फाइव सेवनटी फाइव अपॉन टेन दैट इज सेवन पॉइंट फाइव सो फाइव माइनस सेवन पॉइंट फाइव तो अगर आप इसको फर्दर करोगे सालू ये आएगा माइनस टू पॉइंट फाइव अब नगेटिव शो इज़ डिक्रीज़ क्योंकि यहाँ पे नगेटिव आया क्योंकि फाइव में आपको माइनस करना है सेवन पॉइंट फाइव आंसर विल बी माइनस टू पॉइंट फाइव तो इसका मतलब नगेटिव आ गया आंसर नगेटिव शो उट इज़ डिक्रीज़ सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड और ये क्वेश्चन आपको आया था जे के पी एस आई में आया था आपको ये पेपर में आई होप आपको इस क्वेश्चन में अब कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी क्वेश्चन नंबर फोर ये क्वेश्चन आया था वी एल डब्ल्यू में ये क्वेश्चन आपको आया था वी एल डब्ल्यू में अब मैं आपको इस क्वेश्चन को भी दिखाऊंगा सिंगल अ मैन सेल्स टू हाउसेज एट रेट ऑफ वन पॉइंट नाइन फाइव फाइव लेख मुझे इसके साथ काम ही नहीं है ऑन वन ही गेनज फाइव परसेंट तो एक पे इसको गेन आया फाइव परसेंट और दूसरे पे इसको लॉस आया फाइव परसेंट हमें ओवरऑल गेन या लॉस बताना है तो इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि एक में फ़ायदा आ गया इसको हम लेंगे ए प्लस फाइव के बराबर और एक में इसको नुकसान हुआ तो हम लेंगे बी बराबर माइनस फाइव को ए लिया प्लस फाइव बी लिया माइनस फाइव तो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करूं दैट इज ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन हंड्रेड अब हम डालेंगे यहाँ पे वैल्यूज ए की जगह फाइव बी की जगह आएगा माइनस फाइव प्लस फिर ए बी मल्टीपल आएगा इनको फाइव इन टू आएगा माइनस फाइव डिवाइड आएगा इसको फिर हंड्रेड अब फाइव के साथ ये फाइव हुआ कैंसिल और अगर आप इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे फाइव इंटू फाइव दैट इज माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड और सॉल्व करने के बाद ये आएगा माइनस टू पॉइंट फाइव परसेंट इसका मतलब इसको ओवरऑल लॉस आया सॉरी फाइव बाई हंड्रेड दैट इज जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर ऑप्शन ए क्योंकि इसको लॉस आएगा दैट इज माइनस ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड

आपको साइनज़ नेसेसरली आपको वो चेक करने है कि आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे इट विल डिपेंड ऑन द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस हुआ इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बी इक्वल टू माइनस फोर्टी ए लिया थर्टी के बराबर बी लिया माइनस फोर्टी के बराबर अब आपको यहाँ पे नेट चेंज इन इनकम निकालना है तो हम हम यहाँ पर भी फॉर्नर अप्लाई करेंगे दैट इज़ ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन हंड्रेड ए की जगह हम लिखेंगे थर्टी क्योंकि इंक्रीज हुआ बी की जगह है माइनस फोर्टी फिर आएगा प्लस थर्टी इंटू माइनस फोर्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे थर्टी माइनस फोर्टी दैट इज माइनस टेन और यहां से ये जीरो हुआ कैंसिल ऐसे ही ये जीरो भी हुआ कैंसिल और प्लस और माइनस दैट इज माइनस प्लस और माइनस दैट इज माइनस फोर इंटू थ्री दैट इज ट्व माइनस टेन माइनस ट्वेल्व दैट इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टू नेगेटिव शो उज नेगेटिव शोज़ डिक्रीज तो इसका मतलब नेगेटिव ट्वेंटी टू आया आंसर तो इसका मतलब जो इनकम होगी वो होगी ट्वेंटी टू परसेंट डिक्रीज सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव अब ऐसे ही चलो ये मैं आपको अब आप दिखाता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं इस परसेंटेज को कंटिन्यू करूँ और आपको ये पूरा आए देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग